हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम सब जाने वाले हैं माँ शीतला के दर्शन के लिए बेलदरा। तो आइए चलते हैं और सफर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हम शीतला माँ के दरबार में आ चुके हैं। पीछे मंदिर है, तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं मंदिर को थोड़ा सा घूम के। हम अंदर चलते हैं और मंदिर को घुमा के दिखाते हैं कि किस प्रकार से मंदिर का नज़ारा दिखता है। और ये जो आपके सामने पुरोहित जो दिख रहे थे, इनका सत्यभान सिंह गौड़ नाम है और इन्हीं के फादर के द्वारा ये मंदिर की स्थापना हुई। और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति और गांव के लोगों के द्वारा। तो आइए, इस प्रकार से मंदिर का नज़ारा है और घूम के दिखाते हैं। जो भीड़ जब मंदिर में ज़्यादा रहती है तो यहाँ पे लोग परिक्रमा करने के लिए बाहर से परिक्रमा करते हैं। अंदर क्योंकि ज़्यादा स्थान नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते और बाहर निकलने का स्थान एक ही है। ये जो मूर्ति आपके सामने दिख रही है, यहीं पे माँ इनके साथ रहा करती थी पहले। और ये नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे रहा करती थी। तो पहले ज़माने के लोग कहा करते हैं कि जो ये सत्यभान सिंह जी थे, उनके पिता के सपने में माँ आई और बोली कि हम आपके खेत के अंदर हैं, हमें निकालो और खोद के और हमें पेड़ के नीचे यानी नीम के छाया के नीचे रख दीजिए और हमारे लिए एक मंदिर बनवा दो। तो उनके फादर ने सोचा कि मैं गरीब हूँ, मैं मंदिर माँ के कैसे बनवा सकता हूँ। तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों का सहयोग लिया और गांव के लोगों के द्वारा
मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर की स्थापना हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो मंदिर की स्थापना के बाद उनकी जब मृत्यु नज़दीक आई तो उन्होंने बोला कि पुत्र, हमें कहीं और दफनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं माँ के साथ ही हमारी समाधि बनवा दो। तो यहीं पास में माँ की बगल में ही उनकी समाधि बनी हुई है। आइए वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की कहानी है और कुछ अनसुनी बातें हम लोगों को पता चली कि बोलते हैं कि माँ के कान में सुनने पर उनकी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भी आया है उनकी मन्नतें पूरी हुई है। और जो ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है नीम की, एक्चुअली यहीं पे माँ की स्थापना, मूर्ति की स्थापना यहीं हुई थी और यहीं भूमि के अंदर से माँ का प्रादुर्भाव हुआ है। और जो ये राम उजागिर हैं गौड़, इनके द्वारा आए। आकर यहाँ पे बेदरा में माँ शीतला के दर्शन किए और किस प्रकार से मंदिर का निर्माण हुआ था तो अभी हमको जानकारी नहीं मिली। भाई हमारे भैया मिले हैं, बताएंगे आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे किस समय मेला लगता है, बताइए किस प्रकार। कुवार रामनव रात के, कुवार रामनवमी, चैत रामनवमी, बैसाख रामनवमी और नवरात्र में भी लगता है और हर सोमवार को भीड़ लगता है। बहुत ही ज्यादा भैया बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भीड़ लगती है। हर सोमवार को आप कभी भी आइए यहाँ पे, तो हमने वीडियो में सभी रास्ते को दिखा दिया है इस प्रकार से कैसे कैसे आना है यहाँ इस गांव में। और इस गांव को बताएं तो इस गांव का नाम है बेलदरा के नाम से। चैट पोस्ट कहाँ रखती है? कुलवार, पोस्ट कुलवार है फ्रेंड। और यहाँ पे आप आइए, छोटा सा मंदिर है माँ का और माँ की स्थापना यहीं पे भी है इस प्रकार से देख सकते हैं आप। और हम लोग अभी दर्शन कर चुके हैं और चलते हैं अभी गेट के बाहर। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ हमेशा कृपा बनाए रखना अपने भक्तों पर और जिस कार्य के लिए हम लोग कर रहे हैं उसमें सफलता मिले, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। और ये नारियल को आप स्वीकार कर लीजिए। तो चलिए भैया, बस आज के इस बहुत ही महत्व मिला, इसको तोड़ के चढ़ा दो माँ को। चलिए फ्रेंड बाहर चलते हैं और फ्रेंड अभी मंदिर की जानकारी एक्चुअली हमें नहीं मिल पाई है कि किसने बनवाया और कितने लोग मिलके बनवाए हैं और कब निर्माण हुआ इसका, कब स्थापना हुआ। और मंदिर के बाहर हम लोग आ चुके हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। हमारे नाम सत्यभान सिंह। सत्यभान सिंह जी। और ये जो मंदिर बना है ये किस गांव में बना है? बेलदरा। बेलदरा। और यहाँ की जो मूर्ति स्थापना है, मूर्ति स्थापना उसी समय हो गया था मंदिर के बनने के बाद हुआ है कि मतलब? नहीं, अगले समय पर यहाँ आए थे, इस बार साया पे रहे। अच्छा, हाँ यहाँ ये जो पीछे दिख रही है ये जो स्थान पे यहाँ पे
प्रकार से हुई, स्थापना किस प्रकार से हुई, कैसे कौन कराए, हाँ बताइए आप पूरा। यहाँ पे पिताजी अपने भाषा में जी, यहाँ हमारे यहाँ पे मंदिर के मंदिर जो बना उसी समय पर वो सब गांव के लोग, गांव के लोग देश के थोड़ा सहयोग मिला, सहयोग यानी बता रहे हैं भैया के सभी के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से और आसपास के जो गांव हैं उनका सहयोग से, और मुख्य इनकी भूमिका निभाने वाले इनके फादर थे, यही ना जी। और बकिया अशोक सिंह, अच्छा जो प्रधान जी सरपंच हैं अशोक सिंह, अशोक सिंह वो सहयोग दिया, सहयोग हम बताए कि। और ये एक पटवारी हरि प्रसाद भैंस भी, हरि प्रसाद जी वो सहयोग दिया, और राम सकल लदपुरवा जे मुखिया जी हैं, इसके बाद चंदाबाद, यानी मुख्य भूमिका अशोक सिंह जी और हरि प्रसाद भैंस जी, और एक नाम बताया अभी राम सकल भैंस, ये मुख्य भूमिका निभाते हैं इनके फादर। आप फादर का नाम क्या था आपके? उजागिर सिंह। इन चार लोगों का सहयोग है, उसके बाद अभी मुख्य भूमिका निभाते हैं, उसके बाद गांव से सभी गांव से चंदा थोड़ा थोड़ा मिला तो अभी मंदिर का मंदिर बना। मंदिर एक्चुअली अभी पता नहीं है सन एक्चुअली कि किस सन में बना था, तो बताते हैं कि कितने साल हो गया लगभग अंदाजा से? 25 साल के आसपास में हो गया है मंदिर बने। तो देख सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हुआ है सहयोग के द्वारा सभी लोगों के, तो हम उनको सर नवा के नमन करते हैं कि उनका सहयोग रहा और इस मंदिर को बनवाने में, तो हमें धन्य करती है ये भूमि जो जिस भूमि पर यह मंदिर बना है फ्रेंड, क्योंकि भारतीय संस्कृति इसी का नाम है कि। तो आप लोगों ने देखा कि गाँव के लोग भले ही अनपढ़ रहते हैं लेकिन उनका जो माँ के प्रति स्वभाव रहता है बहुत ही निर्मल रहता है फ्रेंड। हम ही जानते हैं कि इस संसार में आने, तो फाइनली हम लोग दर्शन कर चुके हैं और गेट के बाहर आ चुके हैं मंदिर के बाहर, तो आप ही देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिर है। बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश की वजह से मंदिर बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी पीछे वीडियो में दिखाया। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा, यहाँ पर ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए माँ शीतला का, और हम आपको पता भी बता देंगे। एक एक्चुअली पड़ता है बगदरा अभ्यारण्य के अंतर्गत, ग्राम बेलदरा है, पोस्ट इसका बोलते हैं कि कुलकुवार लगता है, हाँ, और छोटा सा गांव है जंगलों के बीचों बीच। आप इस प्रकार से पीछे साइड में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जंगल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आने के लिए रास्ता पहले आपको मैं बता देता हूँ, नयकहवा आप पहुँच जाएंगे। नयकहवा अगर नहीं जानते होंगे तो आप कभी ग्राम नवडीहवा पहुँचिए, ग्राम नवडीहवा से सीधे गुजरहटा घाट होते हुए फुटहड़वा होते हुए नयकहवा आइए, और नयकहवा से सीधे रास्ता आपको पश्चिम दिशा में जाएगी, और बगदरा के नज़दीक अब जाने के बाद एक रास्ता पकड़ंडी वहाँ से फूटा हुआ है, अभी वीडियो में हमने दिखाया कि पंडा जी उजागिर सिंह गौड़ रहे। अच्छा बताइए, पहले पंडा जी उजागिर सिंह गौड़ इसके पहले थे, इसके उसको उनको लड़का हम छोटा सतवाहन सिंह है। अच्छा मतलब उनके बच्चे हैं, ये बच्चे हैं तो मैंने यानी रुति दिया। अच्छा इनके पहले मतलब इनके फादर थे, अभी फादर आपके नहीं रहे? नहीं थे, नहीं। इनके फादर अभी गुजर चुके हैं फ्रेंड, तो हमें बहुत ही दुख है क्योंकि संसार में जो आता है वो एक बार जाता ही है, तो उनके सुपुत्र हैं। और भाई साहब ने हमें बताया कि अभी हमारे बचपन के पहले मंदिर का निर्माण हुआ है, तो एक्चुअली इनको जानकारी नहीं है, तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है फ्रेंड। तो अभी गूगल पे भी जाएंगे तो आपको अभी जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे कोई विजिट नहीं किया है, हम यहाँ पहली बार शायद आए हैं। तो आपको खुशी होगी तो मैं रास्ता बताया कि बगदरा से पहले एक पगडंडी मिलेगी और जंगलों को होते हुए आप दक्षिण दिशा में जाएंगे, तो आप किसी से पूछ लीजिए कि बेलदरा गाँव कहाँ है, तो नज़दीक में आपको बता देगा कोई ना कोई कि किस जगह पड़ता है ये। और इसके बाजू में एक्चुअली एक नाला है, नाला को क्रॉसिंग करेंगे तो जस्ट मंदिर आपके पास दिखाई देगा। तो आप लोगों ने देखा कि बेलदरा का मंदिर माँ शीतला का किस कैसा है, आप को इस प्रकार से देख सकते हैं। ये अभी पेड़ जो है आप मान लीजिए सेमर का पेड़ है, आप कभी अंदाज़ा लगाएंगे तो इस प्रकार से आ सकते हैं यहाँ पे। तो आज की इस ब्लॉक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, और हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया है फ्रेंड, तो अभी घर निकलने के लिए अभी तैयार हो गए हैं, अभी चलते हैं घर। तो ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और
हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए जो घंटे का चिन्ह है, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो पहली बार आप वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में पैसा नहीं लगता फ्रेंड, ये निःशुल्क है। तो बाय बाय, जय माता दी।